बच्चों, हम अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि विकास के अंतर्गत भाग दो में प्रश्न उत्तर, मतलब हमने क्या क्या पढ़े थे और कैसे हमको उसके उत्तर लिखने हैं। ये सारी चीजें जो प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं, ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे जैसे सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जा सकता है, साक्षरता के स्तर पर भी किया जा सकता है, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर भी किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी जो है वह हमारा उत्तर है। अब यहाँ पर दूसरा है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के व्याप में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, यहाँ पर हम उत्तर क्या होगा, श्रीलंका। फिर मान लीजिए कि एक देश में चार परिवार है, परिवारों के प्रति व्यक्ति आए, हाँ जिस तरह से हमने बताया थे कि परिवार की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें वहाँ की जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, तो इसका उत्तर है 6,000। उसी तरह से विश्व बैंक में विभिन्न वर्गों को वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, इस तरह से आप क्या बताएंगे, इसकी सीमाएं क्या है। तो यदि हम विभिन्न वर्गों को वर्गीकरण करने के लिए देश की आय को प्रमुख मापदंड यदि मानते हैं, देशों की आय अधिक है तो अधिक विकसित समझा जाएगा, और जिस देश की आय बहुत कम है वह अविकसित समझा जाएगा। जिस तरह से हमने बताया थे कि विकसित देश कौन से कहलाते हैं, अविकसित देश कौन से कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विश्व बैंक की जो रिपोर्ट जो है वह किस तरह से क्या है, देशों को वर्गीकरण करने पर उनका मापदंड का प्रयोग करते हैं, फिर कुछ सीमाएं होती हैं जिसके माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास मापने का UNDP का मापदंड जो पहले विश्व बैंक जो है उसके मापदंड से कुछ अलग होते हैं। इस तरह से देखेंगे कि विश्व बैंक का जो मापदंड है केवल आय पर आधारित होता है, और इस मापदंड में बहुत सी सीमाएं जो है, कई अन्य मापदंड जो होते हैं वह विकास मापने के लिए जरूरी है, जबकि बेहतर उसके बारे में आय के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वह अपनी सुरक्षा और दूसरों के आदर और बराबरी के व्यवहार पाना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मापदंड कौन कौन से अपनाते हैं, वह लोगों के स्वास्थ्य को समझते हैं, फिर शैक्षणिक स्तर को, प्रति व्यक्ति आय को, इस तरह से इस मापदंड को मानकर वह वहाँ की जो विकास के मापदंड को मापने का एक जरिया होता है। फिर आगे हम देखेंगे कि हम औसत प्रयोग क्यों करते हैं, और इसके प्रयोग में कोई कोई सीमाएं हैं, यदि हैं तो क्या है। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय जो है उसको कम होने पर केवल हम मानव विकास जैसे कि क्रमांक पंजाब का ऊंचा है। तीसरे से जब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय जब हम देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब का जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ यह जो है यहाँ की आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसलिए यह देश में एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। और फिर उसके बाद देखेंगे केरल है, फिर बिहार है, फिर यहाँ पर भी देखेंगे पंजाब केरल बिहार के कुल तुलनात्मक जो आंकड़े हैं, शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता दर है, और 1 से 5 तक की जो निवास उपस्थिति का अनुपात है, इनके आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और जब हम औसत प्रयोग कर वहाँ भी हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं, मतलब ऐसे तालिका के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फिर तालिका के प्रयोग में कई शब्दों की व्याख्या है, जैसे शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता दर है, निवल उपस्थिति है, इस तरह से तालिका के माध्यम से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है, उसमें हम अब तक 50 वर्ष तक क्या संभावनाएं हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के लोगों के इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के जो वर्तमान स्रोत हैं, मतलब भारत में कौन कौन से स्रोत हैं जिसका कि भारत उपयोग कर रहा है और उसको विकास में कर रहा है, उसमें क्या है, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जिसको कि भारत क्या कर रहा है, विकास में उपयोग कर रहा है, ऊर्जा के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से अधिकांश जो है परंपरागत साधन भी है जिसको कि हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, और कुछ प्राकृतिक संसाधन भी है जिनको कि हम एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं, इस तरह से उनका ऑप्शन भी ढूंढना बहुत ही आवश्यक हो गया है। फिर आगे देखेंगे कि धारणीयता के विषय जो
धारणीयता वह है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त विकास के अंतर्गत ऐसा विकास जिससे कि वर्तमान पीढ़ी जो है, वर्तमान पीढ़ी तक हम जो सीमित ना रहे बल्कि उसे आगे की आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हम वह जो हम जो धारणीय जो हमें प्राकृतिक तत्व जो मिले या भौतिक तत्व जो हमें प्राप्त हैं वह हम उनके आगे वाली पीढ़ी तक हमको पहुंचा सके, ना कि आने वाली पीढ़ी जो जब वह देखेगी ये सारी चीजें समझेगी तो पता चला हम चित्रों के माध्यम से उनको ये सारी चीजें समझाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, धारणीय तक मतलब ये है कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी तक हम सीमित ना रहें बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये जो सुविधाएं हैं, ये जो साधन हैं वह आसानी से हम उनको बता सकें और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को हम बचा के रख सकें। नहीं तो पता चला वह चित्रों के माध्यम से ही बच्चों को समझाएंगे, एक समय आएगा कि पानी और हवा का जो गैस सिलेंडर वह लेकर चलना पड़ेगा, बच्चे बोलेंगे हवा क्या होता है, पानी कैसा होता था, नदी कैसे बहती थी, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब बचा कर रखना होगा। फिर देखेंगे कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, और यदि हैं तो व्यक्ति लालच पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है या फिर किस तरह से। तो यहाँ पर स्वाभाविक है, धरती के पास सब लोगों को आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन तो हैं, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, लालच के कारण निरंतर उसका दुरुपयोग करता जा रहा है और उसके बदले में प्रकृति को वापस कुछ भी नहीं दे रहा है। स्वाभाविक है, हम यदि कोई चीज़ उपयोग करते हैं तो हमें वापस देना होगा, नहीं तो प्रकृति जो है अपने प्राकृतिक रूप से पनिशमेंट देगी या दंड देगी। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि भूस्खलन होता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ये सब जो है पर्यावरण की जो अस्थिरता के कारण ही ये सब होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है लालच के कारण जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। यानी कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जिसमें कि अपने आसपास देखें। स्वाभाविक है, हम यहाँ देखेंगे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है। जल प्रदूषण कैसे होता है ये भी आप सब जानते हैं, वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, भूमि प्रदूषण कैसे हो रहा है ये सब भी आप लोग जानते हैं। इसके कारण भी पर्यावरण में जो है वह गिरावट होती जा रही है। फिर आगे हम देखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या से दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिवर्ष जो जनसंख्या जो है बढ़ रही है, साक्षरता का स्तर भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये सारी टिप्पणियाँ जो हैं हम उसके माध्यम से कैसे वर्णन कर सकते हैं, टिप्पणी तो इसके माध्यम से हम देखेंगे तालिका के विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों के विकास को अलग अलग श्रेणियों में बांटती है और इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इस तालिका में चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय जो है केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और यूं सभी राज्य पुरुष और महिला के अलग अलग दी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उपरोक्त आंकड़े केवल केरल और मध्य प्रदेश के लोगों का पोषण स्तर की पोषण स्तर है उसको दर्शा रही है, और देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश में 40% लोग जो है अल्पपोषी हैं, और अतिरिक्त जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो विकास की चर्चा करनी है, बच्चों से जो करनी है तो वह सारी चीज़ें विद्यार्थी परियोजना कार्य के माध्यम से हम उनको समझा सकते हैं, और बच्चों को वह करना होगा परियोजना के माध्यम से। वह जब सर्वे करेंगे, अब लोगों से बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि पर्यावरण के विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षा करना कितना आवश्यक है।